अस्सलाम वालेकुम रेस फाउंडेशन। हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज सहरी, हम लोग सहरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस वक्त मौजूद हैं JDC सहरी प्रोग्राम में, जो नुमाइश सोरंगी पे है और जिस पे हज़ारों लोग जो इस वक्त मौजूद होते हैं। और इस तरह लोगों की तो इस वक्त आप देख सकते हैं। टीम भी यहाँ मौजूद है पूरी। रोमान बस थोड़ी सी मोहित भाई की आवाज सुनने का आ जाए। मोहित भाई 17 शहरी। मोहित भाई समर फांसिया साहब की आवाज सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आप 14वें रमजान की शहरी में दाखिल हो चुके हैं। आए मोहित भाई, दो कुर्सियां ला दो, सर तीन कुर्सियां ला दो, बची तीन कुर्सियां लगाओ। आपने तिलावत कलाम पाक समाप्त फरमाई, सूरह यासीन की तिलावत और तर्जुमा सुना, सूरह रहमान की तिलावत और तर्जुमा सुना। आज से 3 साल पर कोविड से पहले जब यहां पर शहरी कराई जाती थी, अजय तो हमने यहाँ पर सिलसिला शुरू किया था। जो बच्चे बाल नहीं कटवा सकते महंगे महंगे सलून से, उनके लिए हमने लेके गए थे सलून बनाया था, इस इदारे ने हमने प्रमोट किया था। इस बार 15 रमजान में हम सलून लग रहे हैं, कल रजिस्ट्रेशन होगी और जो लोग गेमे वो 15 के शाम 10 बजे से रात से लेकर सुबह तक सहरी तक यहाँ उनके लिए पाकिस्तान में नंबर 1 बार बार उनकी खिदमत करेंगे और सारा सिलसिला जारी होगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा इमरान भाई के बाद यहाँ पर आने एक मिनट के लिए। इमरान भाई एक सेकंड, इमरान भाई गुलाब जी रेस्टोरेंट की जाने से आज की शहरी का इंतजाम किया गया है। और इमरान भाई से गुजारिश करूंगा, इमरान भाई 2 जुमले अगर लोगों को, जितने भी गुलाब जी रेस्टोरेंट हैं और जो कुछ आप देख रहे हो शहर में, जो अस्करी पार्क और दीगर चीजें, इमरान भाई ने शहर के लिए बहुत काम किया है, शहर के लोगों के लिए बहुत काम किया। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है इमरान भाई उसमें सर पहले सोते हैं। JDC के जितने भी दस्तरखान हैं, जो 72-73 हजार पैकेट रोजाना खाने के बनते हैं, जिस तरह समत भाई उसमें तेल देते हैं, असद हनीफ साहब को भी वहां देते हैं, वैसे इमरान भाई का बड़ा बड़ा किरदार है। रोजगार स्कीमों में सैकड़ों मोटरसाइकिलें भी रुक देते हैं और आज की शहरी भी इनके जिम्मे और 17 रमजान की शहरी मोहित साहब इनके दोस्त करेंगे। इमरान भाई को मैसेज जो लोग लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और उम्मीद करते हैं कि आज का खाना सबके लिए अच्छा साबित होगा। और पसंद भाई का बहुत शुक्रिया, तो ये इतना भाग दौड़ करते हैं, मैं इनको देखता हूँ जब फोन करता हूँ, ये पहले पहले से मेरा फोन उठाते हैं और हमेशा लोगों के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है जफर भाई जैसे लोग इस दुनिया में और पैदा हो गए तो हम सबकी मुश्किल कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, इतने बड़े सेठ हैं, उसको भी फोन करेंगे, उनका फोन याद नहीं पाएगा, मैं तो कभी नहीं हूँ। हारिस भाई आइएगा, आप सब लोगों ने देखा होगा ड्राइविंग सेंटर यहाँ बना हुआ है और वो पूरी जमीन यहाँ पे मिली है, मॉल वॉल ये सब कुछ जो कुछ भी है वो इनकी पर्सनल जमीन हारिस भाई की, सल्तनत रेस्टोरेंट खोला है। और ये भी सारा साथ गरीबों के लिए, हमें मोटरसाइकिलें और ये सब चीजें दे रहे होते हैं। धड़ाधड़ कोई मैसेज अगर देना चाहे तुम्हारे पास जी। सबसे पहले तो छोटी सी दरख्वास्त है कि जिस परसेप्शन को, जिस सोच को जफर भाई प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त ये कि मुझे इन फिरके में कुछ रखा है, ना फिरका भाई पे कुछ रखा है, ना दूसरे के मजहब में कुछ रखा है, इंसानियत सबसे पहले और ये जो इंसानियत के नाते जो सिर्फ कराची में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जफर भाई को लोग मानते नहीं, पहचानते भी हैं और इनके नक्शे पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त ये कि जितनी पॉजिटिविटी आप लोग
क्योंकि मैसेज देते हैं हम सारे भाई बहने सब एक साथ बैठे हैं, किसी को कोई गर्ज नहीं कौन किसके बैठे से कौन किस हालत से इस तरह की बात आ रही है। हम सब भाई हैं और इनको क्या जरूरत पड़ी कि अपना सुकून छोड़ कर ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस मैसेज को जफर भाई जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, इसी भी कह रहे हैं कि आप भी बढ़ चढ़ कर इस काम के अंदर हिस्सा लें और भाईचारगी के अंदर बिलीव रखें और इसी को ही प्रमोट करें और बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा फवाद साहब से शहरें यहाँ पर आई जाएगी और फवाद साहब ने इस्लामाबाद जो लोग हैं वो पता होगा ट्रिपल ए ने अपना टावर बनाया जिसमें 15 फ्लोर जो है पीसी होटल के और यहाँ पर भी 120 मंजिला या 150 मंजिला होटल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर शायद 27 फ्लोर पीसी होटल के हैं उसके नाम शुरू उसमें फवाद है की आपकी शहरी आगे जो है उसमें 3 मुसलसल दिन की शहरी का ऐलान किया गया यहाँ पर फवाद एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे यहाँ के हैं और बस ये दुआ करें कि जफर भाई जैसे और लोग हमारे मुल्क में आते हैं और इस तरह की महफिल लगाते हैं तो यही कहना चाहूँगी जफर भाई शुक्रिया। समद भाई ने आप लोगों को बटेर की कड़ा निहारी खिलाई थी। बस ये मैसेज है मेरा कि इस तरह जिसकी वो कॉफी को जिसकी भी घर कॉफी को सब आगे से आगे बढ़े और आगे से बढ़ सके बढ़ के काम करें और पूरे पाकिस्तान में कराची में पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है असद भाई ने इसी बात पे अमल करते हुए कराची में जो 2700 रुपए का बूफे था 900 रुपए का खोल दिया और उसके बाद असद भाई के खिलाफ 1,00,000 वीडियोस बनी ऐसे ही होना सकते। लेकिन असद भाई ने कराची में नया ट्रेंड कायम किया। असद भाई ने समझ भाई ने वो बूफे जो 2700 रुपए का था उसको 900 रुपए ले आए कोई शख्स अपने बच्चों को फैमिली को लेकर जाने का सोच सकता है। कितनी डिशें असद भाई उस बस से उतरते आदमी से डोनेशन लेकर उसका शुक्रिया अदा करते और मैं समझता हूँ इन जैसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। रोमान भाई आए ना यार, आप पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेयर है, क्या मैसेज देंगे रोमान भाई? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो यहाँ बैठे हैं और जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो जफर भाई के लिए सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं उनके लिए तालियां बजा दें कि किस तरीके से वो ये कम तालियां लेंगे। मैं सीरियस बता रहा हूँ, जरा जोरदार तालियां हो जाए जफर भाई के लिए और एक नारा लगाऊंगा जफर अब्बास आपने कहना है जिंदाबाद। एक नारा दो जफर भाई जफर अब्बास पाकिस्तान कराची जिंदाबाद। कराची के अलावा जफर भाई आपका माशाल्लाह पाकिस्तान भर में काम चल रहा है और मेरा यही मैसेज है कि जेडी से जिस तरह काम कर रहा है इसी तरीके से काम करता रहे और हम जैसे इदारे जो इनको देख के आज इस मुकाम पे है कि हम भी अपनी ऑपरेशन चलाना शुरू किए तो अल्लाह पाक हमें भी टॉपिक दे कि हम भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें और ज्यादा से लोगों का ख्याल रखें ताकि जितना बर्डन सफर भाई के पास है वो हम भी अपने कंधों पे ले लें। और सफर भाई आपको सैल्यूट है सर कि जिस तरह से माशाल्लाह आपकी टीम यहाँ पे मेहनत कर रही है, जिस तरह से आपने मतलब मैं 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो उस वक्त इतना रश मुझे नजर नहीं आता कि इस साल उससे डबल और ट्रिपल यहाँ पे रश है। तो ये सारी मेहनत जफर भाई की है, जिस तरह से माशाल्लाह एक सिलसिला चल रहा है तो मेरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस सिलसिले को मजीद बढ़ाए और मजीद इनको हिम्मत दे के लोगों की खिदमत करते रहे और ये सब काम अल्लाह पाक का और कोशिश करने वाले आप जैसे भाई हैं, हम जैसे भाई हैं, माशाल्लाह लोगों को कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट करते हैं। तो जफर भाई थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी टीम को सलामत रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पूर्णम सुमरो साहब की स्टेट डिफेंस से आप तशरीफ लाए सर, बहुत शुक्रिया। सामने तो मेरे तमाम भाइयों
मैं स्पेशली काफी अरसे से ये सब चीजें देखता आ रहा हूँ। जफर भाई को जानने के लिए तो मैं समझता हूँ कोई मोहताज नहीं है नाम से। आज फर्स्ट टाइम ये सब चीजें मैं अपना लाइव देख के हैरान और परेशान हो गया हूँ, क्योंकि सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, टीवी पे देखता आ रहा हूँ। मुझे फखर महसूस होता है कि मैं उनका दोस्त हूँ और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी यहाँ पे पहुँचाया। मैं अपनी जिंदगी गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। ना कोई पॉलिटिशियन कर सकता है, ना कोई आम इंसान कर सकता है। तो मुझे बहुत फखर है जफरबाद भाई के ऊपर, जफरबाद भाई इन तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपके काम में और बढ़कर दे, आपको इसी तरह सबकी खिदमत करने का दिल की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम है और हम इस्लामाबाद से आए हैं, हमने इस्लामाबाद में ये सब कुछ नहीं देखा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जफर भाई की शहरी पे तशरीफ लेके आए हम लोग, और ये हैरान कर बात है कितने लोगों को आप जफर भाई रोज शहरी कराते हैं, और ये बड़ी हिम्मत की बात कर रहा था ना, बड़ी गौर से लोगों को चूज करता है और उनको सलाहियत देता है और उनसे काम करवाता है, और आपके हाथ समूह में से। तो आपका बहुत शुक्रिया, सारे कराची का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में ट्रिपल ए एसोसिएट के साथ मिलकर हजारों लोगों को अफ्तार कराए जा रहे हैं। सिद्दीक चौक पे फिर अस्पताल के बाहर ट्रिपल ए एसोसिएट की जानकारी कंटेनर दिया गया, शहरी अफ्तारी दिन का खाना सारा साल के सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मंजर आप कराची में देखते रहे कैसे कराची की रौनक में बहाल हो चुकी है। आप यकीन करें जो फानूस लगेंगे ना, ये गरीब आदमी ने फ्री में लगाए, तो रेंट में देता है 4,000 रुपए का फानूस, लेकिन फानूस की एक दिन की कीमत निकाली जाए 5 लाख बनेगी, 30 दिन का 1.5 करोड़ बनेगा, उसने 1 रुपया नहीं लिया, फ्री में लगाया। ये कराची वालों का जज्बा। मैं गुजारिश करूंगा सजादा नशीन नामुद्दीन औलिया जनाब मां से निजामी साहब से कि मनाते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं पाकिस्तान की लीग मालूम पर लगा इनका मौजूद है, अशर साहब मौजूद है, डीगर है आने भाई, तो मां से लीग जनाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह जफरबाज भाई यहाँ पर रोजाना शहरी करवा रहे हैं तादाद में, हम बारगाह में खुदावंदी का दुआ गो हैं कि रब कायनात इनको तौफीक ऐसी अता फरमा कि जो गरीब बारगाह रिसालत में हाजिरी नहीं दे सकते, हर रोज़े रोज़ाना यानी कम अज़ कम 10 उम्र के टिकट बमाए पैकेज ये तकसीम कर बुलंद आवाज में कह दीजिए सुभान अल्लाह जफर भाई के लिए। तो आज सरकार के ही हवाले से ये बस भाई ने कैसे हैं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज जेडीसी पे सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम कबूल हुई हो सकता है उसकी हाजिरी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाह दर पे बुला इस हाथ को बदल के मेरे साथ पढ़ लिया घर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बुलंद आवाज में घर पे बुलाओ मक्की मदनी करा सॉरी सॉरी मदनी
बस। हाँ जी सफर भाई, हमारे फेसबुक लाइक कर रहे हैं। बता दूं ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा नेशनल हीरो जो हर मोड़ में खड़ा होकर 10-10 रुपए डोनेशन रिसीव करके शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उसी शहर के लोगों पे खर्च कर रहा हूँ, इस मुल्क के लोगों पे खर्च कर रहा हूँ। ये मंजर पाकिस्तान में ही देख सकते थे आप और ये रोमान नहीं कर सकते थे। खुदा आपको बहुत इज्जत दे, आप जितना नाम रोशन कर सकते हैं आपको बहुत इनका थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिसमें आज जो रोमान रिसर्च फाउंडेशन काम कर रही है वो इनकी बहुत सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया कि आप कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह करण सफर भाई बहुत शुक्रिया, और ऐसा मंजर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है।